हेलो एवरीवन सो इन टू डे वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप हाउ टू क्रिएट योर ए बी सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी कैन बी क्रिएटेड बाय टू वेज आदर यू कैन क्रिएट थ्रू डिजी लॉकर और यू कैन क्रिएट थ्रू सिंपली बाय विजिटिंग द ए बी सी आई ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ए सो आज के इस वीडियो में हम ऑफिशियल वेबसाइट से देखने वाले हैं कैसे आप एबीसी आईडी क्रिएट करते हो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको एक ब्राउजर ओपन करना हो क्रोम या फिर कोई भी आप ब्राउजर यूज करते हो आप ओपन करें वहां पे आइजर फोन और पीसी बट ट्राई करें लैपटॉप से हो रहा है तो बेटर हो पाएगा उसके बाद आप ए बी सी डॉट जी ओ वी डॉट इन पे टाइप करके और क्लिक करें क्लिक करते ही आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है एबीसी डॉट जी ओ वी डॉट इन वहाँ पर आप क्लिक करें ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है ऐसा इंटरफेस दिखेगा ठीक है तो अब यहाँ पे तो लेफ्ट सॉरी राइट साइड में आप देख सकते हो तो माय अकाउंट सेक्शन है इस माय अकाउंट सेक्शन पे क्लिक तो स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी दो ऑप्शन दिखेंगे तो आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है इसके बाद सिलेक्ट करते ही आपको एक ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा तो अगर आप पे अकाउंट पहले से डिजी लॉकर पे आपने कभी बना रखा है टेंथ ट्वेल्व में भी आपने अगर बना रखा होगा डिजी लॉकर पे तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और आपने जो पिन बनाया होगा उस टाइम पे उस पिन को डाल के फिर यहाँ पे आपको साइन इन करना है फिर आगे का फर्दर प्रोसेस होगा लेकिन आपने अगर आज तक नहीं बनाया है डिजी लॉकर पे भी अकाउंट तो आपको यहाँ पे साइन अप पे, पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को डालना है ठीक है उसके बाद फर्दर डिटेल्स डाल के आपको आगे बढ़ना है अगर आपका पहले से अकाउंट है और आप पिन भूल चुके हैं बिकॉज कई बार हम भूल जाते हैं पिन क्योंकि इलेवन ट में हम बनाए होते हैं डिजी लॉकर तो आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के ऑप्शन पे चूज करके और यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके फिर से पिन को न्यू पिन को बना सकते हैं फिर से आप फर्दर लॉग इन करने के लिए तो यहाँ पे आप अपने डिटेल्स डाल सकते हैं और फिर आप न्यू अकाउंट बना सकते हैं यहाँ पे आप अपना नंबर डालेंगे फिर ओटीपी जाएगा ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई ओ क्लिक करना है तो यहां पे आप डिटेल्स डाल के अपना इस तरह से और यहां पे आप इसको टिक करके फिर वेरीफाई पे क्लिक कर सकते हैं फिर यहाँ पे जो टोटल डिटेल्स है वो चुक, आ, आ चुकी है आपकी उसके बाद आपको आपका आधार नंबर जो है वो डाल के फिर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अब आधार नंबर आप जैसे ही टाइप कर दोगे तो वहां पे आपको ओ आएगा उसको वेरीफाई करना पड़ेगा और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ओ ना आए तो कुछ देर कभी कभी टेक्निकल ग्लिच चल रहा है अभी काफी सारे हेवी ट्रैफिक भी आ रहे हैं वेबसाइट पे तो आप पे सेंस रखिएगा ओटीपी जब आ जाएगा फिर आप इसको सबमिट कीजिएगा फिर आप फर्दर आगे के प्रोसेस पे चलते हैं बट हाँ ओटीपी कभी नहीं आ रहा है कई बार तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है और फिर ट्राई आप कर सकते हैं अगेन तो यहाँ पे जैसे ही आपके पास ओ OTP... आ जाएगा स्क्रीन पे ऐसा शो होगा आई एम स्टूडेंट एट और यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है सर्च लिखना पड़ेगा यहाँ पे शो होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टाइप करोगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ जाएगा वो आपको अपने कॉलेज का नाम नहीं डालना है आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये डालना है ठीक है फिर सबमिट करना है फिर आपका जो है अकेडमिक बैंक क्रिएट हो जाएगा फिर वो अपने डैशबोर्ड पर जा सकते हो ठीक है उसके बाद आप फिर फर्दर एस एल सी की जो वेबसाइट है एस एल सी डॉट यू ओ डी डॉट ए सी डॉट इन वहां पर जाकर के वहाँ पे आप अपने एकेडमिक बैंक को लिंक कर सकते हो बिकॉज ये तो यहाँ से आपने क्रिएट कर लिया एकेडमिक बैंक और फिर वहाँ पे आपको जाके लिंक भी करना पड़ता है और इस तरह से आप देख सकते हो कैसे आपका डैशबोर्ड में दिखता है यहाँ पे आपका फेस आ जाएगा जो भी अपने फ़ोटो आपके आधार कार्ड में होगी वो और यहाँ पे आपका क्रेडिट नंबर लिखा आ जाएगा ए बी सी का जो नंबर है वो और अभी तो फिलहाल जीरो क्रेडिट्स होंगे तो उसके लिए आप टेंशन ना लें वो फिर बाद में अपडेट हो जाएगा ठीक है जैसे आप एस एल सी पोर्टल पर लॉग इन करोगे अपने से और यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पे पहले ही अनाउंसमेंट लिखा होगा क्रिएट और लिंक योर एकेडमिक बैंक ऑफ ग्रेट एबीसी अकाउंट ठीक है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है अगर तो आपने अभी जिस प्रोसेस से मैंने बताया उससे आपने क्रिएट कर लिया होगा तो उसको आपको यहाँ से लिंक करना होगा ठीक है तो यहाँ से क्लिक करोगे आप तो फिर आप पहुंच जाओगे इसी वाली वेबसाइट पे फिर अपना मोबाइल नंबर डाल के फिर फर्दर जो भी पासवर्ड वगैरह डाल के ओ टी डाल के फिर आप आपसे अलाउ करने के लिए हो जाएगा अलाउ कर दोगे आप तो आप वहाँ लिंक हो जाएगा और कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो मतलब अभी तक क्रिएट भी नहीं किया होगा तो वो भी यहाँ से क्लिक करके प्रोसेस को फॉलो करते हुए क्रिएट कर सकता है बट अगर आपने पहले ही क्रिएट कर लिया जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग से बताया पूरा प्रोसेस उसके बाद आप एस की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर अपना मोबाइल नंबर डाल करके नेक्स्ट करके और ओ डाल करके तो फिर यहाँ से आप लिंक कर लोगे तो फिर आपके डैशबोर्ड के पोर्टल में शो होने लगेगा कि आपका अकाउंट लिंक हो चुका है एंड बस यू आर ऑल डन कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू सो मच